हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीस्केप्स वंस अगेन। नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स टीटी नकरेन प्राइवेट लिमिटेड। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, हमारे प्रोग्राम में। आज का जो टॉपिक है, आज का जो नया स्पेसिमेन है, या अगले कुछ वीडियोस, लगातार अगले कुछ वीडियोस में हम जिस फिशेस को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं, उस फिशेस का ग्रुप है बटरफ्लाई। जी हाँ, मरीन में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ग्रुप एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ग्रुप, दैट इज बटरफ्लाई ग्रुप। बटरफ्लाई फिश नाम सुनते जैसे बटरफ्लाई मतलब तितली। जिस तरह धरती पे तितली सबसे खूबसूरत एक प्राणी है, कीड़ा है, उसी तरह समुन्द्र में भी बटरफ्लाई फिश बहुत बहुत खूबसूरत एक मछली है। लेकिन ये जितना खूबसूरत है उतना कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स इसलिए, कोई बटरफ्लाई हार्डी है, कोई बटरफ्लाई डेलिकेटेड है, कोई बहुत डेलिकेटेड है, बहुत सेंसिबिलिटी है, सेंसिटिव है, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। सो जो लोग बटरफ्लाई लवर हैं या मरीन फिश में बटरफ्लाई रखना चाहते हैं, अगला कुछ वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है, और बाकी सबके लिए तो है ही। सबको ये इसमें से नॉलेज मिलेगा कि बटरफ्लाई का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, और बटरफ्लाई फिश को रखने के लिए आपको क्या क्या जानकारी रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप सक्सेसफुली बटरफ्लाई को अपने टैंक पे रख सको। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला बटरफ्लाई फिश है, दैट इज चिटोडॉन ओरिगा। जनरली मोस्ट ऑफ द बटरफ्लाई, मेजोरिटी बटरफ्लाई का जो जेनस है वो है चिटोडॉन। चिटोडॉन जेनस के सारे स्पीसीज हैं, और चिटोडॉन जेनस का हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज अवेलेबल है। लेकिन वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं बटरफ्लाई के ऊपर डिस्कस करेंगे जो इजीली अवेलेबल है, जो आपको दिख सकता है और आप जो रख सकते हैं, या जो जनरली हमारे ट्रेड में यूटिलाइज होता है। ये जो चिटोडॉन ओरिगा है, इस साइंटिफिक नेम चिटोडॉन ओरिगा है। चिटोडॉन है इसका जेनस और स्पीसीज है ओरिगा। इसका जो कॉमन नेम है, दैट इज थ्रेड फिन बटरफ्लाई और गोल्डन बटरफ्लाई, थ्रेड फिन और डायगोनल बटरफ्लाई फिश। ये फिश बहुत बहुत पॉपुलर फिश है मरीन में, और ये कहाँ पाया जाता है, इसका रेंज है एंटायर ट्रॉपिकल इंडो पैसिफिक, रेड सी, ये रेड सी और कंप्लीट इंडो पैसिफिक में पाया जाता है। इसका मैक्सिमम साइज रिकॉर्डेड है 8 इंच तक, एक बटरफ्लाई बड़ा होता है। ये बटरफ्लाई रीफर्स के लिए, डाइवर्स के लिए बहुत फ्रेंडली बटरफ्लाई होते हैं। ये अपने रेंज में, जहां पर ये पाए जाते हैं, अपने रेंज में ये देखने को बहुत ऑब्वियसली मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है देखने को। और जो इसका सबसे खासियत है, इसका फ्रेंडली बिहेवियर। जनरली बहुत सारे बटरफ्लाई बहुत शाइफुल होते हैं, बहुत डरपोक होते हैं, वो छिप छिप के रहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर 15 बटरफ्लाई बहुत फ्रेंडली बिहेवियर होता है और वो ह्यूमन इंटरेक्शन करना पसंद करते हैं। जनरली बटरफ्लाई पेयर में रहना पसंद करता है। बटरफ्लाई को आप पेयर में रखें तो बटरफ्लाई बहुत अच्छा रहता है। ये बटरफ्लाई जनरली पेयर में पाया जाता है एट द डेप्थ ऑफ 35 to 40 feet। बहुत गहरे पानी में नहीं रहता है, ये शैलो वाटर में रहता है, कम गहराई में, समुद्र के कम गहराई में पाया जाता है। तो अगर आप अंडमान में कभी ग्लास बोट से भी जाए, तो ग्लास बोट से अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको थ्रेड फिन बटरफ्लाई का पेयर में मिलेगा, शॉल में नहीं मिलेगा। ये लोग मेल फीमेल के पेयर में ही ट्रेवल करते हैं। सो कपल में ये बहुत अच्छे रहते हैं। मोस्ट ऑफ द बटरफ्लाई, हम जितने भी बटरफ्लाई के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, मोस्ट ऑफ द बटरफ्लाई नॉट रिसेप्टिव। तो ये बटरफ्लाई भी इज नॉट रिसेप्टिव एट ऑल, क्योंकि इसका जो फूडिंग प्रोसेस है वो कोरल ओरिएंटेड ही है, रीफ के इन्वर्टिब्रेट ओरिएंटेड ही इसका फीड है। हालांकि ये एक्वेरियम में ड्राई फूड में अडेप्टेड हो जाता है। ये बटरफ्लाई, थ्रेड फिन बटरफ्लाई, वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट बटरफ्लाई टू कैप्ट। पहले ही मैं बता दिया कि ये रीफ ओरिएंटेड नहीं है, तो रीफ सेफ तो बिल्कुल नहीं है। जब रीफ सेफ नहीं है तो ठंडे पानी में रखने का भी कोई मतलब नहीं है। ये फिश ओनली के लिए बहुत परफेक्ट फिश है। ये कम्युनिटी में किसी भी फिश के साथ रह सकता है, और बहुत
कूल फिश है, ये किसी भी फिश को डिस्टर्ब नहीं करता है, किसी को भी अटैक नहीं करता है। वाटर टेम्परेचर इशू नहीं है, हमारे इंडियन वेदर कंडीशन के हिसाब से वाटर टेम्परेचर अगर 30-32 भी हो तो ये बटरफ्लाई 30-32 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मेरे खुद के शो टैंक में भी ये बटरफ्लाई है और 32-33 डिग्री टेम्परेचर में भी बहुत अच्छी तरह रहता है ये सालों साल। डेंसिटी का भी कोई फर्क नहीं है, इसके लिए बटरफ्लाई थोड़ा लो डेंसिटी में अच्छा रहता है। अच्छा रहता है इन द सेंस इनका पैरासाइटिक टेंडेंसी, बटरफ्लाई का थोड़ा पैरासाइटिक टेंडेंसी रहता है, थोड़ा डिजीज टेंडेंसी रहता है। सो गर्म पानी में और थोड़ा कम पानी में ये रिकमेंडेड है, हालांकि किताब में तो ये मेंशन नहीं है, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आप इन बटरफ्लाई को थोड़ा कम टेम्परेचर में रखेंगे तो ये बटरफ्लाई हेल्दी रहते हैं, डिजीज फ्री रहते हैं, काफी डिजीज फ्री रहते हैं। बटरफ्लाई फिश का नेचर क्या है, वो समुद्र में रीफ में इधर से उधर चलते रहते हैं अपने पेयर में चलते रहते हैं, किलोमीटर के किलोमीटर चलते रहते हैं। वो लोग भी टेरिटोरी बनाता है, लेकिन उनका टेरिटोरियल जो सर्कल होता है वो 1.5-2 किलोमीटर के डायमीटर लेकर होता है। एक पेयर ऑफ बटरफ्लाई हर साल आपके उसी 2 किलोमीटर रेंज में मिलेगा, मतलब उनका सारा दिन का काम है 1.5-2 किलोमीटर घूमना। ठीक है, वो लोग इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, डे वॉक करना बहुत पसंद करते हैं। वॉक तो नहीं, स्विम, इवनिंग स्विम, डे स्विम, मॉर्निंग स्विम। ठीक है, उतने बड़े समुंदर में घूमने फिरने वाला मछली उसका नेचर ही है बहुत दूर घूमने फिरने वाला। जैसे ही आप उसको छोटे से जगह में कैद कर लोगे, साइकोलॉजिकली वो डिप्रेस हो जाएगा, साइकोलॉजिकली वो अनफिट हो जाएगा, उसको अच्छा खाना मिलने के बावजूद भी वो डिप्रेस हो जाएगा। तो बटरफ्लाई के लिए कम से कम आपका टैंक का साइज होना है 4 फीट 5 फीट। आप जब भी बटरफ्लाई ग्रुप का फिश रखोगे तो कम से कम 4-5 फीट का टैंक होगा तो बटरफ्लाई सही रहेगा और पेयर में रहेगा। दूसरा गलती हॉबीज करते हैं वो बटरफ्लाई एक लेते हैं, पेयर में नहीं लेते हैं। बटरफ्लाई हमेशा पेयर में रहते हैं, एक दूसरे से बात करते रहते हैं, बहुत फ्रेंडली रहते हैं, पहले ही बोला फ्रेंडली है तो एक दूसरे से हमेशा फ्रेंडली बात करते हैं। दो मेल हो तो भी पेयर में, दो फीमेल हो तो भी पेयर में, मेल फीमेल हो तो भी पेयर में। सो दो बटरफ्लाई रहने से बहुत साइकोलॉजिकली उन लोग अच्छा रहता है। जब तक आप फिश के साइकोलॉजी को नहीं समझोगे तब तक आप फिश को अपने कैप्टिविटी में जिंदा नहीं रख पाओगे। एंड थर्डली मेन पॉइंट, ये गलती नहीं कहूंगा, ये कॉशस पॉइंट कहूंगा, बटरफ्लाई के लिए वाटर पैरामीटर, वाटर क्वालिटी बहुत मैटर करता है। फ्रेशन बटरफ्लाई जब भी आपको रखना है तो वाटर पैरामीटर इस मैटर, आपको नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट, फॉस्फेट बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होने से नहीं होगा, फ्लैक्चुएट होने से ही प्रॉब्लम होगा। डेंसिटी अगर आप लो में रख रहे हो, सेट कर रहे हो तो लो में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अचानक लो से हाई, हाई से लो करने से दिक्कत हो जाएगा, जो दिक्कत हमारे प्रीवियस कुछ क्लाउन और डैमसल में नहीं था, लेकिन बटरफ्लाई में ये प्रॉब्लम है। ये बटरफ्लाई बिगिनर फिश बिल्कुल ही नहीं है, ईजी तो है लेकिन बिगिनर्स नहीं है। आपका टैंक का साइकिल 2 महीना हो जाएगा, 2 महीने के बाद ही आपके टैंक में आप बटरफ्लाई ग्रुप के फिश डाल सकते हो, खासकर 13 बटरफ्लाई डाल सकते हो, उससे पहले तो बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है। सो ये सारे कॉशस पॉइंट अगर आप मेंटेन करें, पॉइंट 1 एक्वेरियम का साइज बड़ा होना चाहिए, पॉइंट 2 बटरफ्लाई पेयर में होना चाहिए, पॉइंट 3 उसके लिए बहुत ज्यादा हाइडिंग स्पेस होना चाहिए, मतलब इनफ हाइडिंग प्लेस होना चाहिए, इनफ रॉक डेकोरेशन होना चाहिए, क्योंकि बटरफ्लाई रॉक के अंदर से घूमना निकलना हाइडिंग करना बहुत पसंद करता है। अगर ओपन एक्वेरियम बनाए, एक एक्वेरियम में सिर्फ सैंड डाले और बटरफ्लाई डाल दिए, वो बटरफ्लाई जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर भी मछली का साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा, उसको नेचर का मिमिक नहीं मिलेगा। सो आपको बड़ा टैंक देना है, पेयर में देना है, हाइडिंग प्लेस देना है, वाटर क्वालिटी मेंटेन करना है, वाटर पैरामीटर को मेंटेन करना है, टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रखना है, डेंसिटी मोर और लेस 20-22 तक ठीक रहेगा। ये अगर आप मेंटेन कर पाओ, खाने को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, श्रिम्प थोड़ा थोड़ा श्रिम्प देना है, क्योंकि ये ओमनीवोरस है तो इनको मीटी फूड ज्यादा पसंद है। आप स्कैलोप तो दे नहीं सकते, लेकिन थोड़ा अगर श्रिम्प दे सकते हो तो थोड़ा श्रिम्प, थोड़ा माइटी श्रिम्प, फ्रोजन श्रिम्प, या मार्केट से मिलता हुआ हम लोग का प्रॉन, इसके साथ अल्टरनेटिवली आप ड्राई फ्रूट फ्लेक दीजिए, पैलेट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस तरह से आप मेंटेन करोगे तो आपका फ्रेटवीन बटरफ्लाई आपके टैंक में सालों साल बहुत अच्छी तरह रहेगा। और ये सब मेंटेनेंस में आपको प्रॉब्लम होगा तो ये मछली मर जाएगा, और आप सोचते रह जाओगे मछली क्यों मर गया, मेरिन सही नहीं है। मेरिन सही है, बस आपको उसे उन्हें सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन के साथ सही तरीके से रखना है।